जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हमसफर ना होता एंड अगर आप मंशा पाशा ना होती तो आज कोई उसके बारे में बात ना कर रहा होता, बिकॉज वो ऐसी कोई परफॉर्मेंस या कैरेक्टर नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। मिडास टच लग गया ना मेरा उस पे, मेरा मिडास टच लग गया और हमसफर ब्लॉकबस्टर फिर जिंदगी गुजार में दोबारा लग गया आपका मिडास टच। नहीं नहीं, दिस इज जस्ट अ जोक, बट ये कि हां लकीली गुड फॉर एवरीबॉडी हु वाज इनवॉल्वड। बट आप देखिए ना, दो इतने बड़े जो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स हैं दोनों में आप हैं, तो और भी बहुत सारे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं नहीं हूं, लेट्स बट इन दो में तो आप हैं ना। हां, इन दो में वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर, या सरप्राइजिंगली। ठीक है, वो आप लाइन प्रोडक्शन कर रही थी और वो एक आपने कह दिया क्योंकि कर दिया, हाँ, क्योंकि बॉस ने कहा था आप ले गए, आपको कहा था नौशेरो फिरोज था, लड़का लड़का ना पता नहीं कहाँ ले गए थे टू शूट दैट ड्रामा, एंड दे जस्ट सेड आप जा रही हैं, सुबह को मैं गई और रात को मैं वापस आ गई, एंड देयर वाज नो कोई उसकी वो नहीं थी, देयर वाज नो प्लान। आई या बट यू सेड दैट इट snowballed into like a bigger decision that you wanted to, then you decided that you want to become an actor, how did that happen then? That happened because I started getting offers within you know where I was working also. So I was like, फिर अगर करना है, आप दोनों कश्ती में साथ सवार नहीं हो सकते ना। In fact, Sultana Appa ने मुझे भी ये कहा था एक दफा कि दोनों कश्ती में साथ सवार नहीं हो सकती। You have to make a decision. तो उस वक्त पे मैंने decide किया कि you know ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ acting करनी है। As you see, a lot of actors have become producers and directors in their own right. तो आई वॉज लाइक अभी इफ मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ और अभी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको अवेल करें, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई एम रियली ग्लैड आई डिड, बिकॉज़ आई मीन आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ, आई हैव एंजॉयड माय सेल्फ। बट ग्रोइंग अप डिड यू ऑलवेज वांट टू बी, यू ऑब्वियसली ग्रोइंग अप आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, यस यू वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, या सो सी ग्रोइंग अप आई वाज ऑलवेज इनटू स्टोरी टेलिंग, आई वुड, मैं वो लड़की थी जो बाथरूम में रात के 3 बजे किताबें पढ़ रही होती थी, बाकी घर में सब सो रहे हैं, और हर लाइक मेरी मेरे वालदैन को उस वक्त लगता था कि बिल्कुल ही ये पता नहीं क्या होगा, बिकॉज आई वुड डिवाउर कार्टून्स एंड एनी काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, लाइक यू नो इट्स जस्ट इट्स माय लाइफ टाइम, मेरी जिंदगी का एक चीज़ है कि स्टोरी टेलिंग हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो या सो व्हेन आई वाज यंग, ऑब्वियसली जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप हमेशा यू आर इन्विजनिंग योरसेल्फ एज द कैरेक्टर्स, राइट? That's so when I was growing up, obviously maine ye socha tha ki I would be an actor, I would, but when I actually started studying, then I thought no, I'll be behind the screen, and right now I'm an actor, and let's see aage kya hota hai. So yeah, but what happened to that like aim of yours or goal of yours ki yaar behind the scenes kaam karna hai, so one would assume ki itni sari degrees aap bahar bhi padha, Pakistan mein bhi, to mujhe nahi lagta ki wo goal kahin gaya hai, wo inshallah wo bhi pura kiya jayega, I mean, lekin pichle saalon mein aapne try kiya, did you hand your try not your really hand because again I've been so busy with my own work and my life, and main wo wali actor hu hi nahi, quite honestly I don't know how they do it, that ek set se utke dusre set wale jo actors hote hai na, that they can do 3 projects at once. I've never been that kind. I really like to, and that's why I'm also very. अगर आप देखेंगे तो TV पे भी मेरा काम बड़ा एक साल में एक ऐसे करके आता है. वो इसलिए भी होता है because I get very easily bored. So I don't want कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मैं खुद उसमें bore हो रही हूँ and I'm not enjoying it. तो मैं जरा ठहर ठहर के करती हूँ. So probably because of that reason, मैं इतनी busy रही हूँ that I haven't really, but I will. आपका स्क्रिप्ट चूज करने का क्या प्रोसेस होता है? ऑब्वियसली आपको साल में 10-15 प्रोजेक्ट्स ऑफर होते होंगे कि मंशा ये भी ये भी ये भी ये भी, एंड विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी सी ऑन टीवी, आई मीन मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज नॉट एंटायरली हैप्पी विद द कंटेंट दैट वी आर गेटिंग टू वॉच दीस डेज, राइट? यू आल्सो ओनली रिव्यू 2 चैनल्स, आई हैव नोटिस्ड. नो, 3. Geo, ARY and Hum. But what about the other ones? But A+, plus and TV okay. One and all. So the thing is, ratings ke chakkar mein pad gaye Hasan. Aap sirf wo wale review karte hain jo log dekhna chahte hain. Ye recently sab baat keh rahe hain. Uska main apna. Because un pe jo just content ki aap baat kar rahe hain na, there is a lot of content, and I think that you guys, if you did, I mean it's up to you. It's your channel. It's not a big deal, but. You know, there's a lot of different kinds of content out there. अगर आप notice करेंगे तो channels की भी अपनी philosophy होती है and the kind of content that they create. True. तो अगर आप TV One वगैरह या A+ को भी जरा अपनी आँख दे दें. मैं आपको इस. I'm sure a lot of actors. अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखे मेरा नाम ना कभी अपना अपना एक perspective है. मुझे ये लगता है कि TV के ऊपर जो चीज़ दिखाई जाती है वो लोगों को influence और impact करती है एक बड़े पैमाने के ऊपर. अब बात यह है कि जो ड्रामे हम पिक करते हैं वो या YouTube के ऊपर ट्रेंड कर रहे होते हैं,
रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं या वो रेटिंग. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज की रेटिंग आ रही है, जो YouTube के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लोग वो देख रहे हैं, और वो जो लोग देख रहे हैं वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है. तो एज क्रिटिक्स मैं इस बार को आर्ग्यू भी कर सकती हूं कि सिंस यू फील लाइक टीवी हैज अ रिस्पांसिबिलिटी, डोंट यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी? ऑफ कोर्स वी डू. देखिए हम जैसे एक हम टीवी की मैं बात करूं, उस पे एक ड्रामा आ रहा है शराब, और शराब में स्किज़ोफ्रेनिया का जो जो सोनिया इज अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसको हाईलाइट करें, उसकी रेटिंग नहीं आ रही, उसको यूट्यूब पर ट्रेंड नहीं किया जा रहा, हम उसके ऊपर बात करें. सुर्ख चांदनी आपका जो ड्रामा था, इफ यू रिमेंबर, उसकी रेटिंग नहीं आ रही थी, वो यूट्यूब पर ट्रेंड नहीं कर रहा था, हर हफ्ते उसको रिव्यू कर रहे थे. एंड अगेन अभी रिसेंटली ARY के ऊपर ही बिखरे मोती आया, दूसरे चैनल्स के ऊपर. मंशा देखें, बात यह है कि व्यूवरशिप एक चीज है और फिर YouTube के ऊपर ट्रेंड करना एक चीज है और फिर कंटेंट एक चीज है, ये तीन चीजें हैं. हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी वो जो वेन डायग्राम अगर हो ना, तो ओवरलैप अगर तीनों चीजें कर रही हो ना, उस प्रोजेक्ट को हम पकड़े ताकि हमारी बात का फिर इम्पैक्ट भी हो. ATV और जो दूसरे ड्रामों की बात है, देखें जब कोई ड्रामा अच्छा होता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो किसी भी चैनल के ऊपर हो, उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है एंड यू स्टार्ट वॉचिंग दैट ड्रामा. मैंने वैसे ना देखे हो, हमने रिव्यू ना किए हो, बट मैंने मुझे मौका मिला तो मैंने पिछले साल मैं मारिया परेरा हूँ, आई थिंक वो उसका ATV का A+ का ड्रामा था, किसी और चैनल पे था, मैंने जब उसकी बात हो रही थी तो मैंने वो देखा वो ड्रामा, बट मुझे उसके अंदर कोई नॉवल्टी वैल्यू एज सच नजर नहीं आई कि मैं बोलूं यार कि हम ये ड्रामे जो रिव्यू कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स, आई मीन दिस इज जस्ट अ वैल्यू स्टेटमेंट, यू नो, जस्ट अ वैल्यू जजमेंट ऑन माय पार्ट, यू डोंट हैव टू फॉलो इट, बट आई जस्ट फील कि अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स स्टार्ट आउट एट एक्सप्रेस एंड एट अ लॉट ऑफ दीज अदर चैनल्स, मे बी दे डोंट गेट एज मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू द बिग चैनल्स इमीडिएटली, और आपकी जरा उन पे नजर पड़ेगी तो उनको जरा हौसला मिलेगी. आपका फीडबैक बड़ा उनकी हौसला अफजाई होगी, और बल्कि एज अ क्रिटिक आई थिंक दैट दे वुड लर्न. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आई थिंक हमें भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करनी चाहिए. एक्चुअली वो हम जब रिव्यू करते हैं ना, तो हम 10-12 ड्रामे ऑलरेडी देख रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही होती है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो 10-12 ड्रामे देखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और ड्रामे देखना यू नो इंसान एक आध उसमें से माइनस करके टू कर लें आप, और एक ऐसा उठा लें where you feel like it's someone who would appreciate. कर सकते हैं. सोच सकते हैं. सोचा जा सकता है. बिल्कुल आपने आज मेरी आंखें खोल दी. बट गोइंग बैक टू योर डिसीजन, जब आपके पास ये ड्रामे आ रहे होते हैं जी, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसे चूज करती हैं कि मैंने ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना, और ये वाला नहीं करना, ये वाला करना? देखिए आई पर्सनली एम नॉट वन, मुझे लगता है कि ये आई थिंक एक्टर्स व्हेन दे से दैट दे चूज अ प्रोजेक्ट फॉर समबडी अदर देन देमसेल्व्स, ये झूठ है. कोई एक्टर अपने अलावा किसी और के लिए प्रोजेक्ट नहीं चूज करता, बिकॉज आप ये सोच रहे होते हैं कि एट दिस पॉइंट इन माई करियर मुझे क्या करना है, हाउ डू आई, यू नो, हर बंदे की अपनी मोटिवेशंस होती है. सम पीपल ऑफ कोर्स विल डू इट फॉर मनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ जॉब. सम पीपल विल डू इट फॉर कि यार मुझे लगता है कि इससे मुझे रिकग्निशन मिलेगी. लेकिन कोई भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट ये सोच के नहीं करता कि किसी और का पर्सपेक्टिव या ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, आप अपने लिए ही करते हो. तो आई पर्सनली आई एम ऑलवेज थिंकिंग, यू नो, समबडी रिसेंटली इनफैक्ट यस्टरडे described me as an unconventional heroine.